एक न्यूज के चैनल को रन करना बहुत ही मुश्किल का काम है। एक न्यूज चैनल की वीडियो में एंकर, वीडियो एडिटर, ऑडियो एडिटर, ग्राउंड फुटेज, क्लिप, एनिमेशन, बहुत कुछ होता है और एक न्यूज का वीडियो बनाने में बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा आप भी कैसे न्यूज के वीडियो बना सकते हैं, वो भी एआई की हेल्प से। एआई की हेल्प से आज बड़े से बड़े न्यूज चैनल वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आज तक, इंडिया टुडे, सीएनबीसी, ये सभी अपने चैनल में एआई की हेल्प से न्यूज का वीडियो क्रिएट किए हैं। आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे एआई के वेबसाइट और एआई के यूट्यूब चैनल खुल जाएंगे जो सिर्फ एआई की हेल्प से ही आपको न्यूज प्रोवाइड करेंगे। जो मैं तरीका आज आपको बता रहा हूँ उस तरीके से एक न्यूज की वीडियो बनाने में बस आपको 10 मिनट लगेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है, इस टॉपिक पर अगर आप चैनल बनाते हैं तो आपको कभी भी कंटेंट का कमी नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, एक न्यूज का वीडियो कैसे बनाते हैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीट समझाया गया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस न्यूज के वीडियो को आप अपने कंप्यूटर के साथ अपने मोबाइल में भी बना सकते हैं। और ऐसे ही ऑनलाइन मेक मनी से रिलेटेड और भी टिप्स पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक न्यूज के वीडियो को बनाने के प्रोसेस को मैं 4 स्टेप में डिवाइड किया हूं। तो सबसे पहले मेरा स्टेप है किसी लेटेस्ट न्यूज को कवर करना। लेटेस्ट न्यूज फाइंड करने के लिए आपके सामने बहुत सारे तरीके हैं। आप यहां गूगल न्यूज का भी हेल्प ले सकते हैं। आपको सिंपल गूगल में गूगल न्यूज लिखकर सर्च करना है। मैं यहां पे इस न्यूज को सेलेक्ट करता हूं। ये मेरा न्यूज का स्क्रिप्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मेरा सेकंड स्टेप है, इस स्क्रिप्ट को मैं ऑडियो में कन्वर्ट करूंगा। ऑडियो में कन्वर्ट करने के लिए आज इंटरनेट पे बहुत सारे एआई आ चुके हैं। आप स्क्रीन पे इस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इस वीडियो में टॉप एआई ऑडियो के बारे में बताया गया है। आपको इस लिस्ट में जो एआई अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाराकेट एआई का यूज करने वाला हूँ। अगर आप हिंदी में वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए नाराकेट एआई सबसे बेस्ट है। अगर आप इंग्लिश में न्यूज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके लिए play.st.ai सबसे बेस्ट है। ये नाराकेट का एआई वेबसाइट है। सबसे पहले आपको यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको यहाँ अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अपने जीमेल की हेल्प से अकाउंट बना लेता हूँ। आपके सामने नाराकेट का इंटरफेस दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ अपना लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ अपना हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वॉइस के बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। मेरा यहाँ पहले से प्रीति सेट किया गया है। मैं यहाँ अदिति पे सेट करके उस वॉइस को प्ले करके आपको सुनाता हूँ। बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 180 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर। तो फ्रेंड्स, आपने इसका साउंड को सुना। अब मैं इस न्यूज को कॉपी करके इस एआई में पेस्ट कर देता हूँ। स्क्रिप्ट को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ क्रिएट ऑडियो के बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ ऑडियो जनरेट हो चुका है। मैं इसे आपको प्ले करके सुनाता हूँ। अगर आप 5 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अब उस पर पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब इस ऑडियो को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है एआई की हेल्प से अपने एंकर को जनरेट करना। एंकर जनरेट करने के लिए मैं यहाँ leonardo.ai का यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं लियोनार्डो में क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको लियोनार्डो में पूरे 150 कॉइन दिए जाते हैं। जैसे जैसे आप इमेज क्रिएट करते जाएंगे आपका यहाँ कॉइन घटता रहेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ ड्रीम सेपर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ एक बॉक्स दिखेगा। मैं यहाँ पे इंडियन वुमेन न्यूज एंकर विथ न्यूज स्टूडियो लिखकर जनरेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से एक न्यूज के एंकर को जनरेट करके आपको सामने दिया है। अगर आप और भी डिफरेंट इमेज चाहते हैं तो सिंपल आपको फिर से यहाँ जनरेट के बटन पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे यहाँ अपने इमेज के डायमेंशन को देख सकते हैं। मेरा पहले से यहाँ 788x512 पे सेलेक्ट था। मैं इससे और भी बड़ा इमेज चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ 3060 पे क्लिक करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ 4 पे क्लिक करता हूँ। 4 पे क्लिक करते ही आपको यहाँ 4 टाइप के डिफरेंट इमेज प्रोवाइड कर देगा। लास्ट में आपको जनरेट के बटन पे फिर से क्लिक करना है। जैसे जैसे आप इमेज क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो 150 आपका दिया गया है वो घटना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मुझे 4 टाइप के एंकर का इमेज मिल गया है। मैं इस एंकर को यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको यहाँ डाउनलोड का एक आइकन दिखेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ एंकर और मेरा ऑडियो दोनों जनरेट हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मैं इस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करूंगा। इमेज को वीडियो में जनरेट करने के लिए मैं यहाँ हेजन एआई का यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ ट्राई हेजन फॉर फ्री पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको इसमें अपना अकाउंट बनाना है। मेरा पहले से यहाँ अकाउंट बन चुका है।
अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है अपने फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करना। आपको यहाँ पहले से ही बहुत सारे अवतार मिल जाते हैं। अवतार चेक करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में अवतार पे क्लिक करना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको यहाँ कितने सारे फ्री में अवतार मिल जाते हैं। मैं अपने इमेज के हेल्प से वीडियो को जनरेट करूंगा। इमेज से वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ फोटो अवतार पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे अपलोड टॉकिंग फोटो पे क्लिक करता हूँ। मेरा वो न्यूज एंकर का फोटो पहले से ही डाउनलोड है, मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा वो इमेज यहाँ सेट हो चुका है। इस इमेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ क्रिएट वीडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको कर्सर को ले जाना है। जैसे ही आप कर्सर को ले जाएंगे तो आपसे यहाँ वीडियो का फॉर्मेट पूछा जा रहा है। मैं यहाँ पे लैंडस्केप के ऑप्शन पे सेलेक्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ इमेज सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने ऑडियो को यहाँ ऐड करना है। ऑडियो को ऐड करने के लिए आपको यहाँ ऑडियो स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं ऑडियो जो नारा कैट से जनरेट किया था उसको मैं यहाँ सेट कर देता हूँ। मेरा यहाँ ऑडियो सेट हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, आपको यहाँ एक क्रेडिट दिया जा रहा है। इसका मतलब है एक वीडियो बनाने के लिए यहाँ 0.5 क्रेडिट यूज होता है, यानी कि मैं एक क्रेडिट से दो वीडियो बना सकता हूँ। लास्ट में आपको सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। मेरा वीडियो बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से एक न्यूज का वीडियो जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए राइट साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये वीडियो मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया। अब फ्रेंड्स, मेरा यहाँ न्यूज का एंकर भी बनकर तैयार हो गया है। अब मेरा लास्ट स्टेप है इस न्यूज के एंकर को एक परफेक्ट न्यूज के वीडियो में कन्वर्ट करना है। एक परफेक्ट न्यूज का वीडियो बनाने के लिए आप कोई भी एडिटर का यूज कर सकते हैं। आप यहाँ कैनवा, प्रीमियम प्रो, फिल्मोरा, काइन मास्टर, कैपकट किसी का भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल्मोरा का यूज करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे फिल्मोरा में अपना न्यूज के एंकर को साथ ही एक न्यूज का म्यूजिक भी ऐड कर लेता हूँ। न्यूज का म्यूजिक डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ यूट्यूब स्टूडियो से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल आपको यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करना है। आपको लेफ्ट साइड में यूट्यूब लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपके इसके सर्च बॉक्स में न्यूज लिखकर सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, आपको यूट्यूब स्टूडियो से बहुत सारे फ्री के न्यूज के बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएंगे। मैं आपको कोई एक म्यूजिक ओपन करके सुनाता हूँ। मैं इस म्यूजिक को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ न्यूज एंकर और बैकग्राउंड सब कुछ यहाँ डाउनलोड हो चुका है। अब मैं ये सारे डेटा को अपने फिल्मोरा में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इस फिल्मोरा में अच्छी तरह से इस वीडियो को एडिट कर लेता हूँ। आपको न्यूज के वीडियो में ज़्यादा एडिट भी नहीं करना पड़ता है। मैं यहाँ थोड़ा बहुत ट्रांजिशन और इफेक्ट की मदद से इस वीडियो को कम्प्लीट वीडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये मेरा न्यूज का वीडियो बनकर तैयार हो गया है। मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अगर आप 5 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अब उस पर पहले के मुकाबले ज्यादा ब्याज मिलेगा। शुक्रवार यानी 29 सितंबर को केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव किया है। नई दरें अक्टूबर दिसंबर 2023 तिमाही में सभी छोटी बचत योजनाओं पर लागू रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में जाना अभी कैसे 10 मिनट के अंदर न्यूज का वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।